ये इतनी अच्छी रेमेडी है कि आपके पहले तो हेयर फॉल का इशू सॉल्व करेगी एक हफ्ते के अंदर अंदर, उसके बाद जो आपका जो हेयर ग्रोथ का इशू है, थिनिंग का इशू है, बाल पतले हो रहे हैं, ये हेयर ग्रोथ। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? होप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज जो रेमेडी आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये हेयर ग्रोथ और हेयर फॉल के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है। इसे आप सिर्फ एक हफ्ता ट्राई करके देखें, आपका हेयर फॉल पहले गिरना बंद होगा, उसके बाद आपके टाइनी हेयर छोटे छोटे बालों में आने लगेंगे। बहुत अच्छी रेमेडी है। इसमें एक आपको छोटा अदरक का टुकड़ा चाहिए, ये 2 इंच का अदरक का टुकड़ा है मेरे पास, और छोटे वाले जो होते हैं प्याज वो आपने ले लेने। इस तरीके से मैंने वॉश कर लिए हैं, तो मैं अच्छे तरीके से अभी इसको एक दफा फिर वॉश करूंगी। छिलके के साथ ही आप ले सकते हैं, चाहे तो आप इसको कट कर सकते हैं, छोटे हैं तो आप ऐसे साबत भी डाल सकते हैं, बड़े हैं तो आप इसको थोड़ा सा कट कर सकते हैं मोटा मोटा। 1 चम्मच आपको चाहिए होगी कलौंजी, 1 चम्मच मेथरे जो ये अचार में डलते हैं, ये वो वाले मेथरे हैं, मेथी दाना इसको कहते हैं, और 2 चम्मच जो है मैंने यहाँ पर लिए हैं चावलों के। इसको इस तरीके से मैंने छोटा छोटा काट लिया ताकि इसका अर्क जो है निकल सके, साथ ही प्याज को भी मैंने काट लिया मोटा मोटा, और बस प्याज को मैंने वॉश किया हुआ था। अब इन तमाम चीजों को आपने तकरीबन 1 लीटर पानी लेना है और इन तमाम चीजों को आपने इसमें ऐड कर देना है। जो चावल है मेरे पास वो 2 चम्मच हैं, बाकी सब चीजें 1-1 चम्मच हैं। थोड़े अरसे के यूज से आपके छोटे छोटे बाल आने लगेंगे, न्यू हेयर्स आएंगे इंशाल्लाह ताला। इस पानी को आपने पका लेना है तकरीबन इतना, ये 1 लीटर पानी है, ये पककर 1/2 लीटर रह जाए या 1 पाव रह जाए। इसको आप मीडियम लो फ्लेम पर ढक कर पकाएं ताकि इसके अपने अर्क इसके अंदर ही रहें, एवापोरेट ना हो। इसे मैं ढक दूं, बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम हो या लो फ्लेम हो उस पर आपने इसको पकाना है। यहाँ पे इसे पकते हुए तकरीबन 45 मिनट्स हो रहे हैं और ये क्वांटिटी में भी हाफ रह गया है, तो अब आपने इसको जो है स्ट्रेन कर लेना है। इस तरीके से दबा दबा के आपने इसको सारे एक्सट्रैक्ट को निकाल लेना है। सारा एक्सट्रैक्ट मैंने इसमें कलेक्ट कर लिया है और यहाँ पर ये जो है इसे आपने डिस्कार्ड कर देना है। आप चाहे तो इससे अपने बालों के लिए इसको ग्राइंड करके मास्क भी बना सकते हैं, बाल बहुत सिल्की हो जाते हैं, आप चाहे तो इसको डिस्कार्ड भी कर सकते हैं। ये जो वाटर है ये आप सेव कर सकते हैं 1 हफ्ते के लिए फ्रिज में, आप किसी भी एयर टाइट कंटेनर में, ये स्टील के बर्तन में, या आप किसी भी नॉन स्टिक पैन में, या कोई भी ऐसा बर्तन हो पर वो प्लास्टिक ना हो उसमें आप इस तरीके से इसको सेव कर सकते हैं। आप नहाने से 2-3 घंटे 4 घंटे पहले आप इसको लगा सकते हैं। आप इसको थोड़ा सा निकालें जितना आपके बालों के स्कैल्प पे लग सके, स्किन पर अच्छे से आप हाथों की मदद से मसाज करें इस वाटर को, ये थिक थिक वाटर है, और इसे मसाज करने के बाद आप अच्छे तरीके से बालों को रैप कर लें, 2-3 घंटे आपके बालों पर लगा रहे, उसके बाद आप बालों को वॉश कर लें। वॉश करने के लिए आप बेहतर है सल्फेट फ्री पैराबिन फ्री शैम्पू यूज करें। इस वाटर को आप फ्रिज में सेव कर सकते हैं 1 हफ्ते के लिए, 1 हफ्ते के बाद आप दोबारा न्यू बना लें। आपके जो हेयर फॉल हो रहा है उसको पहले ये कंट्रोल करेगा, उसके बाद आपके जो है हेयर ग्रोथ स्टार्ट होगी। इस तरीके से ढककर इसे फ्रिज में रख दें और जब आपने लगाना हो नहाने से 2-3 घंटे 4 घंटे पहले आप इसको लगा सकते हैं। मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो जरूर लाइक और शेयर कर दें। मुझे इजाजत मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफिज़।